हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत के एक छिपे हुए खजाने लक्षद्वीप आइलैंड को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपनी सिटी का नाम चैनल के वीडियो सेक्शन में सर्च करें। और अगर वीडियो अब तक अपलोड नहीं है तो अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब निकलते हैं लक्षद्वीप आयरलैंड के एक अमेजिंग वर्चुअल टूर पर। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम कोने पर अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का एक समूह है, जो केरला के कोची शहर से करीब 400 किलोमीटर दूर, भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ बिखरे 36 मोतियों का एक खूबसूरत हार है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सफेद रेत के बीच और साफ नीले पानी के लिए जाना जाता है। अपने देश में मौजूद लक्षद्वीप के क्रिस्टल क्लियर पानी में स्कूबा डाइविंग, स्नोर्कलिंग, वाटर स्पोर्ट्स, कायाकिंग, स्विमिंग, सफेद रेत पर लेटकर रिलैक्स, नारियल के पेड़ों के नीचे सुकून की सांस, लग्जरी रिजॉर्ट्स में हॉलीडे का मजा और लक्षद्वीप आइलैंड की तमाम खूबसूरती आपको मालदीव्स और सेशेल्स को भूल जाने पर मजबूर कर देंगे। लक्षद्वीप में अगत्ती सबसे बड़ा आइलैंड है, जो अपने रिजॉर्ट, लगून और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। साथ ही कवरत्ती आइलैंड लक्षद्वीप की राजधानी है, जो अपने ऐतिहासिक किलों और ब्यूटीफुल बीचेस के लिए फेमस है। वहीं बंगाराम आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जो अपने स्कूबा डाइविंग और स्नोर्कलिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मिनी कॉय आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप, जो अपने लेडीज बीच और लाइट हाउस के लिए जाना जाता है। और कैल्पेनी आइलैंड लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप है, जो अपने बर्ड सेंचुरी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। कुल 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले लक्षद्वीप आइलैंड में पिछले कुछ सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है और यहाँ कई नए रिजॉर्ट, होटल और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का कंस्ट्रक्शन किया गया है। लक्षद्वीप के 36 आइलैंड में से सिर्फ 19 आइलैंड पर ही लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 68,000 के करीब है, जिसमें ज्यादातर लोग यहाँ के लोकल लैंग्वेज में ही बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ मलयालम, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। लक्षद्वीप भारत का सबसे साफ एरिया है और स्वच्छता के मामले में मिसाल है। यहाँ प्लास्टिक बैन है, जिस वजह से यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट बेहतरीन है। ये द्वीप भारत में एकमात्र कोरल एटॉल है, जहाँ मछलियों की लगभग 600, कोरल स्पीशीज की 68 और सीवीड की 82 प्रजातियाँ हैं। लक्षद्वीप सिर्फ एक सुंदर पर्यटन स्थल से कहीं ज्यादा है। यहाँ की संस्कृति समृद्ध विविध है। पारंपरिक नृत्य और संगीत की धुनों पर झूमना, रंग बिरंगे त्योहारों का हिस्सा बनना और स्थानीय लोगों की मेहमान नवाजी का अनुभव करना लक्षद्वीप की यात्रा को और भी खास बनाते हैं। दूसरे द्वीप समूहों के मुकाबले यहाँ कम भीड़ भाड़ है, जिससे प्रकृति को करीब से महसूस करने का असली आनंद मिलता है। लक्षद्वीप का स्वाद भी उतना ही लाजवाब है जितना यहाँ का नजारा। फ्रेश सी फूड में यहाँ के लॉबस्टर करी, मसाला फिश, प्रॉन्स, केले के पकौड़े और नारियल से बने व्यंजन आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। अगर आप भी लक्षद्वीप की खूबसूरती को देखना चाहते हो तो सितंबर से अप्रैल तक घूमने का सबसे अच्छा टाइम है। लक्षद्वीप में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और क्रूज शिप द्वारा पहुंचा जा सकता है और अलग अलग द्वीपों पर घूमने के लिए नाव और स्पीड बोट का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें नए नए वीडियोस बनाने की हिम्मत मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।